हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम रिलेटेड। यहाँ पे एसएससी के एग्जाम से एसएससी का एग्जाम है, एसएससी जीडी से रिलेटेड है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 24 फरवरी को आता है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है आपका। रीजनिंग का करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते अपने एग्जाम को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, एक का गैप है, यहाँ पर चार का गैप है, यहाँ पर आप देखोगे तो 25 का गैप है, ठीक है। तो मतलब एक चार पांच क्या है, ये एक का सुकेर हो जाएगा, दो का सुकेर, और यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, जबकि आगे पांच का सुकेर है। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 का सुकेर होना चाहिए, यहाँ पर 4 का सुकेर। 3 का सुकेर कितना आता है, 9। तो 36 में हम 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसमें एक लेटर यूज करूंगा, बाकी सारे आप ट्राई करके देखिए। ये आपका जे आपका 10 पर होता है या आपका 9 पर, जो 10 से 9 गए तो -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 14, यहाँ से 1, गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। यह 17, ये 16, अगर गैप देखो तो 1 का गैप है, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ 14 या 26, गैप बहुत ज्यादा, ये भी नहीं होगा। 23, 21, तो यहाँ से गैप देखोगे तो यहाँ पर 2 का गैप है, तो ये भी नहीं होगा। हमें 1 का गैप चाहिए। सिर्फ एक लेटर से मैंने अपना टाइम बचाया पेपर में, आप इस तरह टाइम बचा सकते हो, और बाकी प्रैक्टिस के रूप में आप सारे सोल्व करके देखिए, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखिए, एक बॉक्स अंदर एक है, फिर 2 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी। अब की बार जो आगे सीरीज होगी वो 500 के 500 आ जाएगी, और इसमें देखिए हर एक व्हाइट कम होता जा रहा, तो ये व्हाइट भी ब्लैक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की फिगर अपने सामने आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड फिगर आपके ऑप्शन के, सॉरी, ये फिगर आपके सेकंड ऑप्शन के साथ मैच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई इसमें हमने क्या करना है, सभी इनमें से आपका एबीसी की जगह ऐसा क्या ध्यान रखे 243 बना लो। तो हम इन नंबरों को ऐसा कुछ करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आप 13 × 14 करके देखो तो यहाँ करीब कितना जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, वो बात सुन लो कि एक को डिवाइड करके देखना और एक मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। जो भी आपका पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई है उसको ट्राई करो। 14 13 × 14, 13 × 54, और 13 × 13 13, और 5 182, 14 × 15 अगर आप करोगे तो यहाँ सब कितना आएगा, 210 आ जाएगा। 15 × 20 करोगे 300 आ जाएगा। तो आप देखोगे 210 मेरे नजदीक है, तो मैं इनका यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मुझे एक साइन पता लग गया, बी की जगह आपका मल्टीप्लाई आएगा, बी की जगह मल्टीप्लाई आएगा, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 13, 210 और 20। तो अब इन दो साइन में क्या रखूंगा, दो साइन को आप देखिए, अगर आप इन सभी को प्लस कर देते हैं 243 आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह प्लस, बी की जगह मल्टीप्लाई, इसी जगह प्लस, ये आप ट्राई करके देखें। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो 45 + 10 × 180 हो जाएगा, +50, 45 + 230 हो जाएगा, 230 और 45 करोगे 275 आपका राइट आंसर दे देगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, सॉरी पैटर्न का क्वेश्चन है, डायग्राम कंप्लीट करना। तो ये यहाँ पर आया और इस तरह से ये बना दिया और इस तरह से ये बना दिया, तो ये डायग्राम आपका बनेगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बॉक्स जो है नीचे आना चाहिए था, और फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन इस तरह आने की, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 115 से 94 गया, तो कहीं ना कहीं 21 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर 22 का डिफरेंस है, यहाँ पर 23 का डिफरेंस है, यहाँ पर 24 का, मतलब माइनस माइनस करते गए, तो आपकी बार -25 कर देंगे, आपका आंसर कितना दिला जाएगा, जीरो चला जाएगा, ठीक है। डिक्शनरी का अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो कोई पोजिशन नहीं बतानी, तो एल आई सभी में सेम है, स्टार्टिंग के दो लेटर सभी में सेम है, फिर आर को उठाओ, जी के एफ एफ जी, जी के एफ में पहले कौन आता है, एफ पहले आता है, तो एफ के भी दो है, टी और ई के साथ, तो पहले कौन आएगा, ई पहले आएगा, तो फर्स्ट पोजिशन इसकी, सेकंड इसकी, फिर आपका जी आता है, जी के भी दो है, एच और एन, तो एच और एन में पहले कौन आएगा, एच आएगा, थर्ड पोजिशन इसकी, फोर्थ पोजिशन इसकी, और ये आपका फिफ्थ पोजिशन। तो देखिए कौन सा बना, फोर्थ बना, फिर आपका थ्री आया, फिर आपका वन आया, फिर आपका फाइव आया, फिर आपका टू आया। तो कुछ इस तरह की सीरीज अपनी मैच करो, फर्स्ट लास्ट ऑप्शन के साथ ही मैच होगा।
स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्वेश्चन है, बोला कि ऑल कर्टेन आर बेड, सभी कर्टेन्स क्या है, बेड है। ओके, सम बेड्स आर चेयर्स, कुछ बेड्स क्या है, चेयर है, सी एच कर दिया। सम चेयर आर नॉट नॉट टेबल, कुछ चेयर नॉट टेबल नहीं है, टेबल नहीं है, तो ये टेबल नहीं है, ठीक है। बोला कि कंक्लूजन सम चेयर आर टेबल, यहां पर आप चेक कर सकते हो। देखो स्टेटमेंट में क्या बोल दिया, नो, और यहाँ पर क्या मतलब, यहाँ पर नेगेटिव बात कह दी, यहाँ पर पॉजिटिव बात कह दी, तो या तो दोनों एक साथ हो, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव ना हो तो यहाँ पर एक वर्ड आना चाहिए पॉसिबल, जो कि ये नीचे दे रखा, ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं दे रखा, तो ये आपका हो गया कंक्लूजन वन गलत। अब इसको तो आप बंद करके कर दो, ठीक कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आप हमेशा हर एग्जाम में कहता हूँ कि जहां पर पॉसिबिलिटी आ जाए, पॉसिबल वर्ड आ जाए, ये वर्ड, तो वहां पर आप मिस का आप आंसर ठीक कर सकते हो, ओनली टू आपका राइट आंसर होगा। फिर भी देख लीजिए, सम चेयर आर कर्टन, कुछ चेयर क्या है, कर्टन, पॉसिबल हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, ये लो बिल्कुल होगा, ये लो डॉट डॉट लाइन आपका चेयर और कर्टन के साथ मैच करा देखिए, ओनली सेकंड आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो बोला कि दो साइन को इंटरचेंज करना है, तो मैच करो दो साइन प्लस माइनस, तो माइनस की जगह प्लस कर दो। पहले तो आपने सारे पहले क्वेश्चन ट्राई करना, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करके देखना, तो इससे आपका सोल्यूशन हो जिस प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग जाऊंगा, प्लस और माइनस को चेंज करूंगा, तो ये तो 4 दे देगा, ये आपका 16 दे देगा, ये आपका 26 दे देगा। 26 माइनस 16 प्लस 4, 26 माइनस 16 10 होता है, 10 प्लस 4 करोगे 14 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि 6 पीपल हैं जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस करते हुए, ठीक है, तो सेंटर की तरफ फेस करवा दें इनका, तो ये 1 2 3 1, अपने अकॉर्डिंग बैठाते हैं ना इनको, 1 2 3 4 5 और 6, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। बोला कि जो डेविड है वो इन दोनों के बीच में बैठा, तो अपने काम की लाइन नहीं है अभी। कैरल जो है बॉब के राइट में, तो ये अपने लाइन की अपने लाइन मिली, तो बॉब को यहाँ बैठाइए, बॉब के राइट में कौन है, कैरल है, तो राइट इसका यहाँ होगा, तो यहाँ पर कैरल आ जाएगा। अब कैरल और बॉब का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, फ्रैंक एंड एलाइस आर नॉट टूगेदर, ये भी अपने लाइन की बात, ये भी अपने काम की नहीं है। कैरल इज इमीडिएट नेबर ऑफ फ्रैंक, ये बिल्कुल नजदीक के फ्रेंड फ्रैंक के पास बैठा, तो फ्रैंक यहाँ पर बैठ गया। ओके, अब बोला कि एलाइस, इमली और डेविड एक साथ बैठे हैं, तो मतलब यहाँ पर तीनों की बात होगी, तो फ्रैंक और एलाइस साथ नहीं बैठे हैं, तो एलाइस को यहाँ बैठा, इमली को यहाँ बैठा, और बीच में कौन आएगा, डेविड। तो बोला कि राइट ऑफ इमली, इमली का राइट किधर होगा, ये वाला, ठीक, इधर। ओके, तो डेविड आपका राइट आंसर दे देगा। तुम पॉइंटिंग टू वर्ड, एक पिक्चर पे पिक्चर की तरफ इशारा करते हैं, राखी कहती है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई सन्स मदर, मेरे सन मतलब राखी की सन की मदर, ये खुद हो, ठीक है, का भाई वो है, ठीक है, राइट, लड़का ही है पिक्चर वाला, मैन रिलेट टू राखी, ये आदमी इसका क्या लगेगा, तो ये आपका ब्रदर लगेगा, ठीक है। बोतल को ये बोल दिया, ग्लास को ये बोलते हैं, तो बोतल को ये बोला तो नंबरिंग यूज करें, 2 15 20 20 12 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 14 21 21 13 4, तो यहाँ पर आप देखोगे +1 -1 +1 +1 +1 और ये आपका -1, तो -1 जहां पर हो रहा, तो उसको देखिए क्या वो आपके अल्फाबेट है, सॉरी वो वर्ष, हाँ भाई ये वो वर्ष है, ठीक है, तो वो वर्ष वाले माइनस हो रहे, याद रखना। तो यहाँ पर हम 13 9 18 18 15 18, तो यहाँ पर आपका देखो जो वो वर्ष है, वो वर्ष यहाँ एम आई है और ओ है, ओ मतलब 15, -1 करना है, और इसमें भी -1 करना है, बाकी +1 +1 +1 करना है, ठीक है। ओके, तो मैं -1 कर रहा हूँ, तो 14 यहाँ पर 14 पर कौन सा लेटर आता है, एन, सेकंड लेटर जो लेटर होगा वो एन होगा, तो यहाँ पर नहीं है, लास्ट सेकंड लेटर एन होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, राइट। और फर्स्ट सेकंड लेटर हम देखते हैं, -1 करोगे 8, 8 पर कौन सा लेटर आता है, एन, तो
ये तो कट गए दो ऑप्शन, तो एच आएगा तो ये एस नहीं आएगा, ये आपका राइट आंसर। बाकी बचे हुए खुद ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये एरो देखो, एरो एरो इस तरफ घड़ी की दिशा में, तो अब की बार तो सीधा एक पर आया, फिर एक छोड़ के दूसरे पर आया, अब की बार दो छोड़ के तीसरे पर आया, अब की बार तीन छोड़ के चौथे पर आएगा, मतलब इस तरफ फिगर आएगी आप इस तरफ, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर दे रहा था फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच होता है। पेंगुइन चिक, पेंगुइन क्या है, चिक है, चिक मतलब क्या होता है, पेंगुइन आवाज निकालते, ठीक है, ये कुछ आवाज होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, चिक जो है ना वो पेंगुइन के बच्चे होते हैं, ओके। तो बच्चों का नाम बोला गया, तो डक के बच्चों का नाम डकलिंग होता है, कैब किटन, किटन बिल्ली का, कैब शेर का, और जो आई आप सर्च कर लेना किसका होता है, ठीक है। मिरर इमेज है, मिरर इमेज में हम क्या देखते हैं, ये आपकी राइट साइड है घूम के लेफ्ट साइड बन जाएगी, ये आपकी लेफ्ट साइड है घूम के राइट साइड बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका ये डिजाइन बनेगा, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये चीज दोनों चेक करना है, ये क्या हो जाएगा इस कोने में आ जाएगा और ये वाला इस कोने में चला जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि ये ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल गलत दे रखी, सेकंड ऑप्शन वैसे मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन गलत क्यों है, ट्रायंगल मैच हो रहे हैं दोनों, फोर्थ ऑप्शन में ट्रायंगल मैच नहीं हो रहे, तो फोर्थ ऑप्शन करिए। अब सेकंड और थर्ड में फर्क देखते हैं, तो सेकंड और थर्ड में फर्क दिख गया मुझे, और मुझे ये फर्क आपका लिखा ये वाली गलत, ठीक है, ट्रायंगल, ओके। तो इसमें क्या होना था, ये लाइन इस तरफ होनी थी, तो ये गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे देखो, तो यहाँ का सेकंड लेटर अलग है, तो सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर खुद ट्राई करोगे, सेकंड लेटर मैं करता हूँ, तो ये आपका 22, 15, 18, 11, तो आप अल्टरनेट यूज करो, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरा, तो 22 से 18 माइनस 4 के, 15 से 11 माइनस 4, अब 18 से -4 आप कर दोगे तो 14 आएगा, 14 में कौन सा लेटर आता है, एन आता है, ठीक है, एन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिगर है, ये फिगर आपने मैच करनी है कोई किसी भी एक ऑप्शन में, तो मैच करिए, तो वही करिए मैच, तो आपका राइट ऑप्शन में देखते हैं, पहले तो राइट ऑप्शन में देखते हैं, तो राइट ऑप्शन में सीधे से फिगर हमें दिखाई देगी, क्योंकि रोटेशन तो अलाउड नहीं है, रोटेशन जब अलाउड नहीं होता तो आपको एडिटेड फिगर देखने को मिल जाएगी, अगर रोटेशन अलाउड हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फाइव फ्रेंड है, पूजा भावना चारों जो भी नाम है, सर्कुलर टेबल पे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, पांच फ्रेंड है, पांच फ्रेंड की पोजीशन बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चारों जो है नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, अपने काम के लिए, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, हेमा को यहाँ बैठाइए, इसके सेकंड लेफ्ट 1, 2, यहाँ पर कौन है, भावना, ठीक है, भावना किसकी नेबर नहीं है, चारों की, तो चारों की नेबर नहीं, चारों यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी, चारों यहाँ बैठ सकती है, ठीक है, लो फिट कर दे पहले लाइन, गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा, गीता जो है भावना और हेमा की नेबर है, भावना और नेम हेमा, तो भावना ये रही, हेमा ये रही, गीता को यहाँ बैठ बैठा दीजिए लेफ्ट ऑफ चारों, तो ये पोजीशन आप फिल करने में टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा देखिए लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट इधर होगा चार होगा, तो ये आपका एच आएगा, एच आपका राइट आंसर दे दोगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश ना करें, पेपर इजी रहता है, टाइम खराब मत करो, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ से आई थिंक सभी लेटर मैच हो रहे हैं, तो आप देख कर, तो ये आपका 9 होता है, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 25 होगा, अगर आपको इसका समझ नहीं आता छोड़ दो, तो आप देखो -2 और आगे -2, तो इधर भी -2 करिए तो 7 आएगा, 7 तो कौन सा लेटर आता है, जी, जी को रखकर बाकी सभी डिलीट करो, फिर 4 अगली सीरीज में 4 है, फिर क्या आएगा 26, 24, 22 और 20, आप देखिए दो दो कम हो रहा है, तो इधर भी हम दो दो कम कर देंगे, देखो आप हर एक में एग्जाम्पल देख सकते हो आप, तो दो कम करोगे दो, दो का कौन सा लेटर आता है, बी, सेकंड पोजिशन पर बी आएगा, सी को कट करिए, अब लास्ट पोजीशन देखते हैं 7 यहाँ क्या आएगा, फिर आपका 3, फिर आपका 1, तो ज्यादा मैं आगे देख नहीं रहा, मुझे बस इतने मिल गया, 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पर -2 करिए, तो 5 आएगा, 5 पे कौन सा लेटर आता है, ई आता है, ठीक है, लास्ट में ई आएगा, तो ऐसा लग जाएगा ऐसा राइट आंसर दे दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड को ये बोला गया, वंडर को ये बोला गया, स्किल को बोला गया,
तो कुछ इस तरह से नंबर आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं। ठीक है, ऐड करिए। यहाँ पर 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 4, तो 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 16 36। अगर मैं करूँ 36 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 23 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 18। ओके, 15 और 5 20। ओके, 20 और 20, यहां से 3 आता है, 20 और 20 कितना हो गया आपका 40। यहां से 4 हटाओ, 40 और 10 50। यहां से 2 हटाओ, 2 इधर रखो, 50 और 20 70। ठीक है, और क्या रह गया, 70 और 6 76, 76 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 76 और 3 79, 79 में +5 कर दिया पैसे, इतना काम आपने करना है। तो वैसे इसको भी करना, 18 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 12, 20 हो जाएगा, 18 और 9 20, 18 और 12 20, 30 और 20 50, 50 और 12 62, 62 में +1 18 नहीं 19 होगा भाई, 63 आएगा, 63 में +5 और कर दीजिए आपको 68 आ जाएगा। ठीक है, 68 आपका राइट आंसर देगा। तो ये था आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के टॉपिक तक के लिए। थैंक यू, नाइस टू जॉइन।